गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। पीबीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार दुबंसी आपके सामने आपकी उम्मीदों भरी क्लास लेकर के आज हम पढ़ेंगे निरपेक्ष मान। ध्यान से समझना, निरपेक्ष मान आखिर होता क्या है, व्हाट इज निरपेक्ष मान। देखिए, निरपेक्ष मतलब जिसे निर्दलीय, आपने देखा है ना, राजनीति में देखा होगा निर्दलीय कहते हैं, मतलब किसी के भी साथ ना हो, यानी कि ना प्लस ना माइनस। अब आप कहोगे कि ना प्लस या ना माइनस क्या होगा, तब तो पता नहीं क्या होगा। इसका संकेत जो है डबल लाइन से डिनोट करते हैं। अभी समझना ध्यान से, जैसे कहा जाए पाँच का निरपेक्ष मान बताओ, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे पाँच और ये डबल लाइन के अंदर फिर इक्वल फाइव। अगर माइनस फाइव का निरपेक्ष मान पूछे तो क्या करोगे, ऐसे माइनस फाइव इक्वल फिर से फाइव, मतलब सभी के साथ एक समानता। यहाँ पर भी ना प्लस ना माइनस, ना प्लस ना माइनस। एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये कह रहे हैं कि प्लस नहीं है ना माइनस है, बट ये तो ऑलरेडी प्लस में है ना। हाँ, प्लस चिन्ह इसमें छिपा हुआ है, लेकिन इसके चिन्ह लगाया नहीं जाता, ना प्लस लगाते हैं ना माइनस लगाते हैं। एक बात और समझ लीजिएगा, किसी भी परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर का जो निरपेक्ष मान होता है वो सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता कभी। क्लास को पूरा देखना, सब कुछ समझ में आने की गारंटी होगी, भागना मत बीच में। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फीचर देख लीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। परिमेय संख्याओं के तीन तथ्य आपके सामने दिए गए हैं जो कि निरपेक्ष मान से संबंधित है। पहला, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, माइनस में कभी नहीं होता है। प्रत्येक शून्यतर परिमेय संख्या का मान, निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए यहाँ पर जो मान लिखा है, यहाँ पर आप लोग निरपेक्ष मान समझेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम निरपेक्ष मान की बात कर रहे हैं। परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है, शून्य ही होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आप कोई भी निरपेक्ष मान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कर ले जाओगे, है ना। वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा तो कोई डाउट है तो बिल्कुल लिख लीजिएगा। इसको दो बार देखिए, वीडियो तीन बार देखिए, देखते रहिए। जैसे कहा जाए 5/9 का निरपेक्ष मान बताओ, तो क्या होगा, इसको 5/9 ऐसे करके लिखेंगे इक्वल 5/9, यही क्या हो जाएगा, इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा। अगर कहा जाए 3/5 का निरपेक्ष मान बताओ तो क्या होगा, ये 3/5 ऐसे लिखेंगे इसको इसके अंदर में, फिर बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये होता है तरीका, सिंपल वाला, समझ गए ना। तो ये निरपेक्ष मान था, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। कक्षा 8 की गणित में आप लोग देख रहे हैं अभ्यास 1 का एच शुरू हो चुका है, तो 1 का एच में हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला नंबर आप लोग समझ लिए निरपेक्ष मान क्या होता है। दूसरा कह रहा सरल कीजिए। देखो अगर निरपेक्ष मान का सिंबल लगा है, मैंने बताया था सीधा फीधा होता है ना, तो आपको कुछ डरना नहीं है, हल करना इसको भिन्न वाले रूल से, जैसे आप भिन्न में करते थे क्रॉस मल्टीपल वगैरह करके। ये 3 × 3 9 − 5 × 10 / 15, लेकिन इसका उत्तर जो है हमेशा प्लस में आएगा, बस यही याद रखना। वैसे इसको घटाओगे तो 1/15 आ जाएगा जो कि माइनस में आएगा, लेकिन फाइनल में इसका आंसर 1/15 आएगा, मतलब निगेटिव आंसर नहीं लिखना, बस समझ गए ना। तो ये है बिल्कुल अच्छा वाला फंडा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को पूरा देखना, छोड़ के मत जाना बीच में, पूरा देखोगे सब कुछ आएगा। ऊपर जो लिखा बोर्ड में उसको पढ़ लो ध्यान से, बगल वाला भी पढ़ लो। देखिए साथियों, ऐसा सवाल आपके कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो SSC हो, चाहे UPSI हो, चाहे आपका टेट हो, CTET हो, कुछ भी हो, ऐसे पूछा जाता है, आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये क्या लगा है ना। इसमें करना क्या होता है, एक्स का वैल्यू दिया है माइनस में ना, तो एक्स का वैल्यू है माइनस में 1/2, इसको इसमें से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये 3/4 था तो ये 3/4 ही रहेगा, बात समझ गए ना। यानी कि आपको फाइनल में प्लस प्लस जोड़ना है, ठीक ना, समझ गए। तो क्या करना है, 1/2 में आपको 3/4 ऐड करना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है, मतलब जब इसमें निकालोगे डाल करके तो क्या होगा, वो सब प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब एक प्रकार से एक ऐसा कोल्हू है ये, जिसमें से निकलने वाले सब क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, मतलब समझना। यहाँ माइनस लगा है चूँकि ये माइनस में दिया है, बट ये जो चिन्ह है ना, चूँकि एक्स की वैल्यू इसमें रखोगे तो बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 2 और 4 का LCM 4 हो जाएगा,
भाग वाला रूल लगा लो सारा, जो आप हल लोग हल करते हो भिन्न वाला, वही दो से भाग करोगे दो आएगा, ये दो हो जाएगा, चार से करोगे तो फाइनल में आपका ये 5/4 आएगा, बस बात ख़त्म, इतना ही था। ये समझ में आया ना, ये होता तरीका इस तरह के सवालों को करने का। ये देख रहे हैं आप अभ्यास 1 का एच, PBR स्टडी की 0 लेवल मैथ शाम को 7:30 बजे से आप देख सकते हैं PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर, और प्रतिदिन सुबह 5 बजे से PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर, एवं फेसबुक पर आप ये क्लास दोपहर 11 बजे से देख सकते हैं। सभी क्लासेस सेम टू सेम होती हैं, आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे देखें, जब चाहें तब देखें। तो साथियों अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल पे। दाहिने साइड देख लीजिए, अगर ये क्लास आप फेसबुक पर लाइक करेंगे, मतलब फेसबुक पर पेज को लाइक करेंगे, तो वहाँ से फ्री में देख सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आप लोग इसके पहले का कर ले जाओगे, है ना। 8वां नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे 1H में। यदि x इक्वल 5/9 y इक्वल 2/3 हो तो दिखाइए, दिखाइए मीन्स प्रूव करिए, सिद्ध करिए। x प्लस y का निरपेक्ष मान इक्वल x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान बराबर होगा। चलिए ठीक है, मान रख देते हैं x का वैल्यू है 5/9 और प्लस y का वैल्यू है 2/3। चलो ठीक है, रख देते हैं, जो भी दिया है आप लोगों को भी लिख लेना है चुपचाप। ये लो, हल करोगे वही रूल से, क्रॉस मल्टीपल कर लो, 3×5=15 और ये 9×2=18 और ये 5×3=15। इसको हल करोगे 3×5=15 और 9×2=18 और 9³=27, यहाँ भी देखो 27 होगा, सॉरी। ठीक ना, बात समझ में आया। अब क्या करोगे, जोड़ लेंगे, 15 में जोड़ोगे इसको तो हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 27 इक्वल, ये भी क्या हो जाएगा 33/27। नीचे लिखोगे 33/27 इक्वल 33/27, दोनों बराबर हो गया, लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक ना, दोनों इक्वल आ गया ना। इसी तरह से आप बगल वाला भी कर ले जाओगे, मान रखना है आपको जो दिया गया इसको खुद से करना, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना। और साथियों आप ये WhatsApp पर सारी क्लास पा सकते हैं, ऊपर WhatsApp नंबर दिया गया है, उस पर अगर आप मैसेज करते हैं तो सारी क्लास WhatsApp पे देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना होगा, 549 सिर्फ एक बार पेमेंट करना होगा, कंप्लीट बेसिक मैथ। नहीं तो YouTube पर बिल्कुल फ्री में देखते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। देखिए मित्रों, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। कुछ हम रिवीजन करेंगे, यहाँ पर रिवीजन कर लेना तब जाना, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, जैसे 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, 1 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या, ये सब देखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, एकदम निचोड़। देखो LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, जिसे लासा बोलते हैं, वो महुआ का लासा नहीं, LCM। तो अगर कहीं इस तरह की संख्याएं दी गई हैं जो कि अभाज्य हैं, क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, सम है या विषम है इससे नहीं मतलब है, अभाज्य हैं, प्राइम नंबर हैं, तो उनका LCM सदैव उनका गुणनफल होता है, लेकिन अभाज्य होनी चाहिए, किसी से कटनी नहीं चाहिए। तो ये 5×7=35 और 35×2=70, इस तरह से इनका LCM क्या हो जाएगा, इन सभी का गुणा करने पर जो आएगा वो हो जाएगा। दूसरा तरीका देखना, 15×30=45 और 4 और 8। अगर कहीं इस तरह से पहाड़ा के रूप में संख्याएं दी गई हैं, मतलब एक सीरियल वाइज बढ़ रही हैं, जैसे देखो 15 था, 15 के बाद 15 ऐड किया तो 30 आया, 30 में फिर क्या किया, 30 ऐड किया तो क्या आया, 60, मतलब एक तरह से ये 15 के पहाड़े वाली संख्याएं हैं ना। तो इस तरह से जो LCM होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, मतलब 60 आएगा, करके देख लो कैसे जाना, ध्यान से देखना। देखिए LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो 60 से भी कट जाए पूरा पूरा, 30 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, सिंपल सी बात है। अगर 60 से भी काटना है तो संख्या 60 के बराबर या 60 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 30 से तो कट जाएंगी बहुत सारी संख्याएं मानते हैं, लेकिन 60 नहीं कटेगा जब तक 60 से बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे हम, बस इतना जान लो कि जो उन संख्याओं में से है सबसे बड़ी जो संख्या वही LCM होगा, अगर इस तरह का रहता है कॉन्सेप्ट, तो एक टेबल वाइज एक पैटर्न बनता है। 4 और 8 का LCM ये भी इसी रूट पर चलेगा,
ये भी एलसीएम देखिए क्या लिखा, पहाड़ा के रूप में है तो 4 और 8 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, बात समझ गए ना। तो ये सब कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ नहीं पाओगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए मित्रों, आप लोग इन क्लास का रिवीजन करके लेके आएंगे, ये हमने आपको पढ़ा दिया बहुत पहले ढेर सारी क्लास में, अभी इस क्लास में हम लोग आगे चलेंगे तो इसको पढ़ेंगे। जिन लोगों को नहीं आता वो नो लिख कर कमेंट करेंगे और जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, अगली क्लास में हम आपको इसका सलूशन बता देंगे जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और हाँ, अगर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिएगा, आपको वीडियो दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये सारा मिल जाएगा, ठीक ना। तो आज का ये सारा खेला यहीं पे ख़त्म होता है। और हाँ, याद रखिएगा, क्लास भले 10 ही मिनट की है लेकिन टॉपिक आपको ढेर सारे मिलते हैं, तो ये मत सोचा करिए कि क्लास छोटी हो रही है और ये क्लास फिर से बड़ी होने लगी कि टेंशन मत लेना, बस हमारे साथ आप बने रहना, अपना विश्वास बना के रखना। जो लोग इन सारी क्लास को व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं और VIP सुविधा लेना चाहते हैं, उन लोगों को क्वेश्चन भी बताया जाएगा, डाउट भी क्लियर किया जाएगा, कंप्लीट बेसिक मैथ मिलेगा घर बैठे कहीं से भी, मात्र 549 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, ठीक ना, बात समझ में आई ना। और हाँ, अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो YouTube पर देखते रहो बिल्कुल फ्री, जो क्लास पब्लिश हो रही है इसके लिए कोई चार्ज पे नहीं होगा। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर 8 पार्ट तक YouTube पर देख लिए हो तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां बीच में गायब हो जाएगा, फिर 13वां, 14वां, 18वां तक देखोगे फिर 2 ठीक गायब हो जाएगा बीच में, इस तरह से आपका ढेर सारा टॉपिक छूट जाएगा। देखिए, बीच में टॉपिक छूटना, टॉपिक टॉपिक छूटेगा, ये नहीं कि आपका नुकसान नहीं होगा इसमें, लेकिन हाँ, आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे बीच में प्रतिशत छूट गया, बीच में लाभ हानि छूट गया, तो फिर आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात होती है। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो आप कर लीजिए, अन्यथा जो मिल रहा है यहाँ पे देखते रहो, बिल्कुल नहीं संकोच। चलते हैं इन बातों के साथ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।